हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है ईद, तो सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और साथ में आज अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती भी है, तो उसकी आपको सभी को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और देखिए यहाँ पे मैं जो है मंदिर साफ़ कर रही हूँ, मंदिर के बर्तन जो हैं भगवान जी वगैरह हैं उनको मैं नहला रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पूजा करना है। और आज फ़िलहाल मेरा सारा काम जो है लेट हो गया है, और एक्चुअली थोड़ा सा मूड बहुत अपसेट हो गया था मेरा। और मैं वो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में आप लोगों से जब बैठ के बात करूँगी तब आप लोगों को बताऊँगी कि आज आखिर ऐसा क्या हो गया जो मेरा मूड इतना अपसेट हो गया था। तो बस आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैं गणपति जी को नहला रही हूँ, और ये मूर्ति मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं है गणपति जी की। फिलहाल भगवान जी देखिए सारे ही अच्छे लगते हैं, बट कुछ कुछ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और ये मुझे सच में अपने मंदिर में बहुत सबसे प्यारे भगवान जी लगते हैं गणपति जी। तो बस यहाँ पे देखिए मंदिर के बर्तन वर्तन साफ करके फिर चलते हैं मंदिर की तरफ, और मंदिर में जो है पूजा वूजा कर लेती हूँ मैं। आरती वगैरह, और मुझे ज़्यादा नहीं पता है कि अक्षय तृतीया की पूजा किस तरीके से की जाती है, बट जैसा भी है मैं जैसे नॉर्मल पूजा करती हूँ वैसे ही मैंने कर लिया है। आ जाइए आप लोग भी आरती लेने के लिए। और बस उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ते में मैंने दलिया बनाया था सुबह, वो बिना नहाई फिलहाल दलिया बना दिया था, तो दलिया हम लोगों ने खा लिया है। उसके बाद फिर मैं अब बना रही हूँ दोपहर के लिए खाना। तो खाने में यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ आज कढ़ी चावल रोटी। तो उसके लिए देखिए मैंने जीत फ्रेश जो है मठा है आज का ताज़ा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसको एक लोटे में अलग से रख दिया है, वो किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा। और ये जो जग में है तो इसमें मैं जो है इसमें डाल दूँगी बेसन, और बेसन डाल के इसको अच्छे से जो है घोल लूँगी, मतलब अच्छा सा घोल तैयार कर लूँगी मैं कढ़ी के लिए। और साथ में देखिए कढ़ाई भी यहाँ पर गर्म हो गई है, मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी छौंकने के लिए। और मैं छौंका जो है वो सिर्फ हींग और मेथी से लगाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे हींग और मेथी डाल दी है। और अब मैं इसमें जो है ये मठा और जो मैंने ये तैयार किया था बेसन घोल के वो मैंने इसमें डाल दिया है, और फिर मैंने पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। देखिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं कढ़ी बनाने के, कुछ लोगों की अलग तरीके से बनती है, कुछ लोगों की अलग कढ़ी, काफ़ी मतलब डिफरेंट स्टाइल में कई लोग बनाते हैं, बट मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैंने ऐसे ही सीखा है, तो वही मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। और कढ़ी की रेसिपी फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट टाइम ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने वीडियो में, आज से पहले मैंने कढ़ी कभी शेयर नहीं करी है फिलहाल। तो देखिए मैंने बेसन ले लिया है यहाँ पे पकौड़ी बनाने के लिए, और बेसन थोड़ा सा कम पड़ गया था डब्बे में तो मैंने ये बड़े वाले डब्बे में से निकाल लिया है थोड़ा सा। और मैं यहाँ पे जो है प्याज हरी मिर्च सब डालती हूँ पकौड़ियों में, लेकिन हमारे गांव में जो है मोस्टली लोग ना मतलब बिना प्याज व्याज ही बनाते हैं, सिंपल वैसे ही पकौड़ी बनाते हैं, बट वो मुझे मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मुझे प्याज और हरी मिर्च हरा धनिया वगैरह ये सब डाल के ज़्यादा अच्छी लगती है कढ़ी में पकौड़ी। तो देखिए मैंने हरी मिर्च डाल दी है एक, थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला भी डाला है, और इसमें थोड़ी सी हींग डाली है, नमक डाला है। तो बस ये घोल के मैंने तैयार कर लिया है, और देखिए कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तो बस अब मैं निकाल देती हूँ यहाँ पे कढ़ी के लिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ।
सारी पकौड़ी बनकर हो गई हैं तैयार। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा भी गूंथ लेती हूँ जब तक। और मैंने कुकर में यहाँ पे चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं और छौंकने के लिए कढ़ी को सब कुछ तैयार करके रख लिया है। प्याज, लहसुन, अदरक, जो जो मैं डालती हूँ छौंकने के लिए, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, सब रख लिया है देखिए। और अब मैं जो है कढ़ी को छौंक देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा राई डालूंगी, हींग डालूंगी और लाल मिर्च वगैरह। और उससे पहले लेकिन मैं यहाँ पे कढ़ी में जो है पकौड़ियाँ डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से कढ़ी में मिक्स हो जाए। तो बस पकौड़ियाँ मैंने डाल दी है और देखिए कढ़ी भी छौंक ले रही हूँ। तो यही सारी चीज़ों से मैं जो है छौंकती हूँ। खड़ी मिर्च डालती हूँ, लाल, कड़ी पत्ता, राई, हींग और मेथी से तो मैं पहले ही कढ़ी को छौंक देती हूँ। तो बस देखिए सब कुछ डाल दिया है, प्याज व्याज सब कुछ मैंने डाल दिया है इसमें। और जैसे ही थोड़ा सा प्याज भुन जाएगी, थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे डाल दिया है और थोड़ा सा जो घर का धनिया है ना, उसी को पिसा हुआ धनिया है थोड़ा सा, वो मैंने इसमें डाला है। तो बस ये देखिए बन गए, छौंका तैयार हो गया है। इसमें मैं जो है 2-3 चम्मच कढ़ी डाल दूंगी। और कढ़ी डालने के बाद वापस से जो ये छोटी वाली कढ़ाई है इसकी कढ़ी जो है फिर इसमें डाल दूंगी। तो कढ़ी देखिए छुक गई है अच्छी तरीके से, छौंका लग गया है। और फिर मैं यहाँ पे जो है अब इसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च है ये। तो बस देखिए हमारी जो कढ़ी है वो बनकर हो गई है तैयार। तो आप लोग भी आ जाइए, किस किस को कढ़ी पसंद है। कढ़ी के साथ चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं, चावल भी बनाए हैं, देखिए खाना सर्व भी कर लिया है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ दोपहर का लंच करने के लिए, कढ़ी चावल रोटी खाने के लिए। और कढ़ी के साथ ना कच्ची प्याज और हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने वो भी सर्व कर ली, मतलब प्याज भी काट ली है, एक हरी मिर्च भी रख ली है। तो बस अब खाना देख के भूख तो लगी आई होगी, आ जाइए आप लोग भी। और बस उसके बाद देखिए खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे मैं जो है गैस साफ कर रही हूँ, सेल वगैरह मैंने कहा उसको भी साफ करके और रख दूँ। गैस तो फिलहाल मैं रात को धोऊंगी, रात को खाने के बाद, क्योंकि मतलब जब मैं नॉनवेज बनाती हूँ तो मैं उसी टाइम साफ कर लेती हूँ गैस। लेकिन वैसे नॉर्मल तो कपड़े से मैं साफ करती ही हूँ खाना वाना बनाने के बाद। तो बस उसके बाद देखिए बर्तन वगैरह जो है वो भी धो के रख लेती हूँ जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, बर्तन बर्तन धोने के बाद मैं आ गई हूँ स्माइली को होमवर्क देने के लिए। मैंने कहा ये थोड़ा सा पढ़ लेगी जब तक, क्योंकि खाना वाना खा लिया है इसने भी, तो थोड़ा सा ये होमवर्क कर लेगी और मैं आप लोगों से दूसरे रूम में जाके बैठ के आराम से वीडियो का एंड करती हूँ। चलिए आप लोगों से बात कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है ईद, आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आज है अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आज का वीडियो आप लोगों ने देखा, आज मैंने आप लोगों के साथ, मैंने सुबह सबसे पहले स्टार्टिंग मेरी पूजा से ही हुई है। एक्चुअली आज काफी ज्यादा मूड अपसेट था सुबह, इनफैक्ट मैं काफी देर तक रोई भी हूँ सुबह, 10-15 मिनट तक, मतलब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। एक्चुअली मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, मेरी कल की वीडियो थी, एडिटिंग भी हो गई थी दोपहर में और कल मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया था, लेकिन नेट नहीं पूरा था मेरे फोन में, तो वो आधी वीडियो अपलोड हो गई थी, आधी आज सुबह सुबह मॉर्निंग में हो गई थी अपलोड। मतलब यूट्यूब पे दिखा रहा था रेडी टू वॉच दिस वीडियो, मतलब ये आ गया था, लेकिन मैंने क्रोम पे जाके चेक नहीं किया, क्रोम में जाके पता लग जाता कि हाँ पूरी हो गई, मुझे लगा हो गई है, मैंने फिर अपने फोन में से वीडियो डिलीट कर दी और फिर डिलीट करने से पूरी वीडियो ही चली गई। इतना ज्यादा पछतावा हुआ, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है देखिए, और सबसे ज्यादा टाइम उसको फिर एडिटिंग करने में, मतलब 57 मिनट्स का टोटल मेरा पूरा वीडियो बनाया था मैंने, 57 मिनट्स का हो गया था वो, और उसको हम काट काट के शॉर्ट शॉर्ट कर करके और स्पीड में करके, मतलब एडिटिंग करके हम उसको 10-12 मिनट का, ऐसे ही मैंने उसको 12 मिनट का बनाया था वीडियो को, 12 मिनट कुछ सेकंड थे, तो इस तरह का मैंने उस वीडियो को बनाया था। सबसे ज्यादा दुख इसीलिए होता है, मतलब
सबसे ज्यादा दुख इसी चीज का हो जाता है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो और पूरा वीडियो चला जाए, लेकिन खुद की गलती है। पहले क्रोम पे चेक कर लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे आज का वीडियो बनाना था तो मैंने कहा फोन मेरा भर चुका था, तो मैंने कहा थोड़ा स्पेस हो जाएगा फोन में, इसलिए मैंने बहुत जल्दीबाजी में, मुझे लगा हो गया मेरा वीडियो अपलोड, बट एक मिस्टेक कर दी, क्रोम पे जाके चेक नहीं किया। और जब मैंने पूरा डिलीट मार दिया, फिर मैंने क्रोम पे जाके देखा, तो मैं आपको देखिए साइड में दिखा देती हूँ, ये इस तरह का था लिखा हुआ मेरे, मतलब पूरी वीडियो प्रोसेसिंग जो चल रहा था वो हो ही नहीं पाया था, थोड़ा सा रह गया था मतलब। तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी मैं फिर, लेकिन जब वीडियो ट्रैश बिन से भी चला जाता है, फोन में से बिल्कुल गायब ही हो गया, तो फिर वो आने का मतलब ही नहीं बनता। कितनी कोशिश करी, उसके लिए मैंने एक दो ऐप भी डाउनलोड करे प्लस स्टोर से वीडियो रिकवरी वाले। तो ये ऐसा फिलहाल मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है जब से मैं वीडियो बना रही हूँ। एक बार पहले भी हुआ था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है एडिटिंग वेडिटिंग करने के बाद, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। पहले भी हुआ था तो मतलब वीडियो एडिटिंग नहीं हुई थी, सिर्फ फोन में थी तो वो हो गई थी, उसका इतना पछतावा मुझे नहीं हुआ था। लेकिन आज इस वीडियो का मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। सुबह से मेरा मूड अपसेट था, लेकिन फिर अब जो हो गया तो वो हो गया, वीडियो चली गई तो चली गई, अब क्या उसके लिए कितना परेशान होंगे, आगे भी तो करना है। फिर तो इस वजह से मेरा काम भी सुबह लेट हो गया था, आधा घंटा मेरा वीडियो बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं हुआ, ऐसी अपसेट रही और रोना भी आ रहा था, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो बनता है। जो यूट्यूबर है उनको तो पता ही होगा कि एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है। तो खैर छोड़िए, चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर किया, और जस्ट अभी फ्री होकर बर्तन बर्तन साफ करके अभी फ्री हुई, मैंने कहा चलो वीडियो को एंड करूं, और बहुत जल्दी है मुझे इस वीडियो को जल्दी से एडिटिंग करूं मैं और आप लोगों तक भेजूं, क्योंकि वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया, मैंने आज सुबह ही उसको मतलब भेजना था, अपलोड हो गया था, बस उसको पब्लिक में करना था, बट कोई नहीं चला गया वीडियो। तो आज का वीडियो फ्रेंड पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब मैं मिलूंगी आप लोगों से फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट वीडियो में, न्यू व्लॉग में, तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।